सबको पता है कि आई स्टडी इन मुंबई एंड मैं हूँ नॉर्थ से, तो मेरे फ्लाइट्स इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। एंड ओवर द टाइम आई हैव सीन कि वी डोंट इवन नो हाफ ऑफ द फैसिलिटीज दैट आर देयर इन एयरपोर्ट विच कैन मेक आर लाइफ ईजी। सो मैंने सोचा इस वीडियो में एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल दी एंड एंड आई होप यू गाइज इन्जॉय इट। So let's just start the video. Hi guys, welcome back to another new video. We are actually going home, traveling to Chandigarh, and it's night actually. अभी रात हो रही है, 9 बजने वाले हैं, 9 बज चुके हैं actually, and हम अभी छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जाने वाले हैं to catch a flight to Delhi. Yeah. So we are going, and this is my luggage, and अभी हम कर रहे हैं taxi book, and we are gonna go. मेरे पास बहुत टाइम है, 4 घंटा आराम से मेरे पास है, बट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गेट आउट ऑफ माय हाउस एंड आई गो टू द एयरपोर्ट, सिट अडानी लाउंज में बैठ कर बढ़िया सा खाएंगे, ठीक है? तो या ऑब्वियसली बिकॉज हु सेज नो टू फ्री फूड, राइट? बट या जस्ट यू नो बी देयर इन दिस वीडियो, आई एम गोना शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, काफ़ी रश है, तो मैं डिजी यात्रा यूज़ करने वाला हूँ। अपेरेंटली इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी इजी, हैसल फ्री, सो लेट्स जस्ट ट्राई दैट। भाई मैं लाइन में बाहर खड़ा भी नहीं हुआ, सिर्फ फेस स्कैन और ख़त्म। मतलब आई एम इन ऑल्सो मैन, आई फील बाहर ही 15-20 मिनट लग जाते हैं और मैं आ भी गया। वाओ ब्यूटीफुल यार, एक जेन्युइनली नाइस, जस्ट द फेस स्कैन एंड इट्स डन। 15 KG तो नीचे गया, वो भी गया भाई, नहीं टिकट मिल भी गई पहली बार भाई। 5 मिनट में सब हो गया यार, अभी मैं सिक्योरिटी करूँ, दैट विल टेक अनदर 25 मिनट्स एंड आई एम इनसाइड द एयरपोर्ट एंड इट्स नॉट इवन 10, सो आई हैव क्वाइट अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू बी वेरी फ्रैंक। 3-3.5 घंटे हैं, बहुत बढ़िया मज़े से। 12:30 बोर्डिंग है, तब तक पूरा वेली वेले भाई, 30 में भी रश नहीं है, सिक्योरिटी में भी ज़्यादा रश नहीं है भाई, गुड यार, नाइस। गाइस आर थ्रू ऑल्सो, मतलब लेजिट ओनली इन टोटल आई जस्ट टुक 10 मिनट्स टू एंटर द एयरपोर्ट एंड आई एम नाउ जस्ट गोना गो लाउंज में एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। मतलब आई केम हियर एट 9:35, इट्स 9:45 राइट नाउ, मतलब क्रेजी सी मैन, 10 मिनट में पूरा एयरपोर्ट ऊपर नीचे है भाई, मज़े ही आ गए। तो अभी नीचे जा रहे हैं, डोमेस्टिक का जिनको नहीं पता वो नीचे होता है ना, तो वी आर गोइंग डाउन, लेट्स सी। यहाँ से उनको नहीं पता विस्तारा एंड एयर इंडिया गेटिंग मोज ना, तो अभी क्या चल रहा है कि विस्तारा पायलट्स दे यूज टू गेट मोर, लाइक दे यूज टू गेट 70 आवर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम एंड एयर इंडिया में इट्स कमिंग टू 40 आवर्स फॉर द फिक्स्ड इनकम एंड अदर बोनसेस आफ्टर दैट। सो उसके चक्कर में ना काफ़ी सारे पायलट्स विस्तारा की सिक रिपोर्ट कर रहे हैं, सो आई जस्ट होप मेरी फ्लाइट डिले ना हो, इवेंचुअली नहीं होनी चाहिए बट देर माइट बी पॉसिबिलिटी बिकॉज आई वॉज जस्ट रीडिंग द न्यूज़ एंड वहाँ पर ऐसा हो रहा था, सो लेट्स जस्ट सी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस्ट आज एयरपोर्ट बहुत खाली लग रहा है फॉर सम वेरी ऑड रीजन, आई डोंट नो दिस, भाई कोई है ही नहीं आज एयरपोर्ट में, चल क्या रहा है, आई डोंट नो भाई। ओनली टाइम दैट इज़ फॉर टेकिंग 10 मिनट हो गए लाउंज एक्सेस के चक्कर में, बट ठीक है कुछ नहीं कर सकते। अडानी का लाउंज एक्सेस के वेटिंग, भूख अभी खाना खाने चलते हैं भाई, भूख लग रही है बहुत। हमने लिया दाल पनीर, ये खाएंगे अभी बढ़िया से, खाना दिखाता हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा हद से, और सिर्फ 2 रुपए लगे, सिर्फ 2 रुपए। तो जिसको नहीं पता, इफ़ यू गाइज हैव प्लैटिनम डेबिट कार्ड्स और कार्ड्स विच हैव लाउंज एक्सेस, प्लीज़ डू अवेल इट इन बॉम्बे, इट्स दी बेस्ट। मतलब यू गेट सो मच ऑफ फूड जस्ट फॉर 2 रुपीज़ एंड यू नो इट्स सो कन्वीनियंट, यू गेट टू हैव अ गुड सीटिंग प्लेस एंड सो मच मोर, सो लाइक आई जस्ट शो यू अराउंड। ये है अडानी का लाउंज, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सटेंड होता है, यहाँ देखो जिस लुक से ही अभी हम कॉफ़ी लेने आ गए हैं। थर्ड ट्रिक बताता हूँ, नॉट द स्कैम, कैपुचिनो सेलेक्ट करते हैं ना, उससे पहले एक शॉट एक्सप्रेसो डाल दिया करो, उससे बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है, बहुत ज़्यादा, मतलब इट विल बी वेरी नाइस। देखो तो सही क्या क्या कलर आया है ब्रो, इट्स गोना बी नाइस स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनी, उठा दिया भाई पूरा। आई थिंक मेरे को जगना भी पड़ेगा बिकॉज मेरा दिल्ली के बाद जस्ट ट्रेन ऑल्सो चंडीगढ़ के लिए, तो वंदे भारत की ट्रेन है, वंदे भारत का भी एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, बहुत ईजी होने वाला है, इट इज़ दी फास्टेस्ट ट्रेन इन आर कंट्री करेंटली,
एंड इट्स चेयर कार। बाकी विस्तारा का तो हमारा जेट जो है इट्स एयरबस A320 न्यू, एंड न्यू हैज़ बेसिकली मोर एफिशिएंट इंजन्स देन द नॉर्मल प्रीवियस वंस, एंड ऑल जनरली ऑल एयरक्राफ्ट दीज डेज आर न्यूज ओनली बिकॉज दे हैव एफिशिएंट इंजन विच इज़ एफिशिएंट अराउंड 14-15%, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, ज़्यादा कम फ्यूल बर्न होता है। सो दैट्स इट, एंड वी आर फ्लाइंग इकोनॉमी। और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर आईडी से डाल दिया, सो दैट आफ्टर माई फ्लाइट इज़ ओवर आई गेट पॉइंट्स, जिससे आगे आने फ्यूचर में आई कैन गेट फ्री फ्लाइट्स। सो दैट्स द थिंग। बाकी आई एम हैविंग माय कॉफी। आज पूरा लाउंज ही खा लिया भाई। वाह, मैंने भी एक अच्छी जगह ढूंढ ली है, और अभी मैं बैठ के यहाँ पे थोड़ा पढ़ूँगा, एंड नॉट स्टडिंग लाइक जस्ट स्टॉक मार्केट का थोड़ा स्टडी करेंगे। एंड दिखाता हूँ आपको, ऐसे करूँगा फ़ोन चार्ज। फटाफट फ्रेशन अप हो गए हैं, एंड अभी इट्स अराउंड 12:10, हमारा बोर्डिंग इज़ 12:30, सो लेट्स जस्ट गो। फटाफट, नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, कॉफ़ी पी ली थी तुम्हारे भाई ने, और अभी हम जा रहे हैं। एंड ये सीन है, हर जगह मेरे लिए दोस्त लोग निकलते हैं। लेट्स गो टू द बोर्डिंग गेट फटाफट, अभी बहुत टाइम है, वैसे 12:30 है। लाउंज से बाहर निकल गए, अभी हम जा रहे हैं 65A, हमारा जो बोर्डिंग गेट है। बाकी इस टाइम पे एयरपोर्ट बिल्कुल ही खाली है, मतलब देर इज़ नथिंग हियर, सो इट्स नाइस, देर इज़ नो रश, नथिंग एट ऑल ब्रो, सो बहुत सही है। अभी हम जा रहे हैं 65, लेट्स गो, इस साइड ही है यार। मुंबई एयरपोर्ट की ना एक बात बहुत अच्छी लगती है, द वे दे हैव यू नो डिज़ाइंड इट, एंड द वे देयर आर सो मेनी ब्रांड आउटलेट्स, इट्स जस्ट अमेजिंग बिकॉज द वे द लेआउट इज़ ना भाई, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू अवेल लाउंजेस, देन देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस दैट यू कैन ईट, एंड इट इज़ विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग, बिकॉज इफ़ यू सी पुणे का एयरपोर्ट इज जस्ट रियली रियली पैथेटिक। अभी तो जैसे दिल्ली का भी जो डोमेस्टिक था वो भी रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, सो अभी इसका क्या होने वाला है, एज सून एज नवी मुंबई एयरपोर्ट ओपन्स, जो मुंबई का T1 एयरपोर्ट है विले पार्ले वाला, इट इज़ गोना गेट डिमोलिश्ड एंड पूरा नया बनेगा, सो देन इट्स गोना बी ग्रेट। बट अभी के लिए तो भाई T2 बेस्ट, एंड या इवन दिल्ली का एयरपोर्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस, क्योंकि हम जा रहे हैं T3। अपना जो गेट है वो है यहाँ से, मेरे को लेजर डर लग रहा है अभी कि हैवी कि नहीं, वो बोइंग 747 क्वीन ऑफ द स्काइज, एकदम देखो यार क्या लग रहा है भाई, इसका साइज देखो यार तुम, बोइंग का ये बहुत टाइम से यहीं पे खड़ा हुआ है, बट जस्ट लुक एट दैट ब्यूटी, ब्यूटिफुल सो गुड। और ये गाइज यहाँ पे 777 खड़ा हुआ है एयर इंडिया का, अगेन अ ब्यूटी मैन, अगेन अ ब्यूटी, अरे वो देखो यार। ओवर द टाइम ना आई डोंट नो, आई एम अ पर्सन हु इज़ इन लव विद कार्स, बट ड्यू टू मी ट्रैवलिंग सो मच, लाइक ड्यू टू ऑल दिस एयर ट्रैवल, आई हैव बीन गेटिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेन्स, लाइक आई मीन दैट जस्ट क्रेजी, एंड बोइंग 747 वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट दैट इज मतलब देयर, ओ माय गॉड। पहुंच गए हैं भाई 65, खाली है अभी तो, A320 ट्रेन आ गया भाई, देखो ये हमारा इसमें जाएंगे हम। सो गाइस बोर्डिंग हो गई है शुरू, टाइम हो रहा है 12:35, सो 15 मिनट्स लेट पर ओके हमारा प्लेन है नीचे। लेट्स सी, नींद अपडेट बिल्कुल भी नहीं आ रही, आई जस्ट होप आई एम अप टिल 8 o'clock, बिकॉज वही है यार 8 बजे तक तो सो भी नहीं सकता। एनीवेज सो टिप नंबर इन्फिनिटी, आई डोंट नो कौन सा टिप है, बट वेन एवर यू ट्रैवलिंग इन एयरक्राफ्ट, नो मैटर गर्मी है या सर्दी का मौसम है, ऑलवेज कैरी अ जैकेट, बिकॉज इट इज़ गोइंग बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज एयरक्राफ्ट में ना एयर कंडीशनिंग से बहुत ज़्यादा एयर सर्कुलेशन के चक्कर में काफ़ी कूल हो जाता है, सो देन यू नो इट्स बोर्डिंग कंप्लीट, लेट्स गो। टाइम Good morning, ladies and gentlemen. This is your first officer. We shall be starting out descent in approximately 5 minutes. Based on current estimates, we should be landing at 3:15 a.m. On behalf of Vistara, we thank you for flying with us. Cabin crew, please prepare for arrival. Mm-hmm.
1 hour 30 minutes में लैंड करा देते हैं भाई, क्रेजी है भाई। मैंने फाइटर मूवी देख रहा था, बहुत अच्छी थी, मतलब ओवर, थोड़ी ओवर बॉलीवुड टाइप्स है, बट इट इज़ नाइस, लाइक सो यू कैन वॉच इट, टू बॉडी पे, सो दैट्स इट। वी लैंड अभी 3:15 के आसपास, देन आई विल शो यू। कॉफी एट 2:51, थर्ड ग्लास ऑफ कॉफी गाइस, नींद ही नहीं आ रही भाई। भाई ने क्या लैंड करा है, बहुत स्मूथ लैंडिंग रही, बट आई फील काफ़ी लेट हो जाएगा अभी ना, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम एवेंचुअली, बट एनीवेज गुड लैंडिंग, गुड फ्लाइट। पहले थोड़ा मुँह हाथ धो लेते हैं यार, अभी तो आधी जर्नी हुई है, आधी और है, चंडीगढ़ जाना है। बट ठीक है, पहले मुँह धोते हैं फिर करते हैं। क्या स्कैम हुआ है भाई, मुझे लगा राइट साइड में मेन्स वॉशरूम है, बट लेफ्ट साइड है, अभी मैं राइट साइड में हूँ। चलो कोई नहीं, वील फाइंड द नेक्स्ट वन। अरे सुबह सुबह भाई क्या कूड़े हो रहे हैं, कोई नहीं, अभी मैं उधर जाने वाला था लेफ्ट में, बट अब इधर ही है, अभी राइट साइड में मेल है भाई। ओ गॉड, एनीवेज समटाइम्स इट कैन जस्ट गेट टू फनी एट आफ्टर अ पॉइंट, और प्रॉबेबली आई एम जस्ट हाफ डेड, दैट इज़ द रीज़न ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग मेकिंग सीमिंग फनी टू मी। एनीवेज गया मेट्रो में, मतलब मेट्रो आने वाली है, तो इट्स अ गुड थिंग भाई बच गए, बहुत तगड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको, बैठ के सीधा गेट के सामने खड़े हुए हैं, आने दो, अभी 8 मिनट में आ रही है, और हमारी ट्रेन इज़ एट 5:50, और अभी हो रहा है 4:45 के आसपास आएगी। एक मिनट बचा है भाई, आ जाओ फटाफट। मेट्रो में पहुंच गए हैं भाई, बताता हूँ क्या स्टोरी हुई है यहाँ पे, क्रेजी। निकलने दो, बताता हूँ भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने पहली मेट्रो नहीं ली होती आज, मैं पहुँच नहीं पाता रेलवे स्टेशन। अभी बस लिटरली 25 मिनट बचे हैं और अभी तक मैं प्लेटफॉर्म नहीं पहुँचा हूँ। मेरी मेट्रो 5 मिनट लेट थी, और वो पहली मेट्रो थी सुबह की जो मेरी लगी है ना, अभी मुझे लगा था अगर ये मिस होगी तो ख़त्म, एंड इवेंचुअली ख़त्म जाता, बिकॉज नेक्स्ट मेट्रो वॉज इन 14 मिनट्स, तो कष्ट हो जाता बहुत। माई ट्रेन इज़ फ्रॉम प्लेटफॉर्म 11, आई गॉट अ रन रन रन, फाइनली पहुँच चुके हैं, एंड आई एम जस्ट 20 मिनट्स शॉर्ट ऑफ माई ट्रेन टाइम। क्या ही सेव है भाई, बच गए यार, नाइस। अगर मैं बता रहा हूँ, वो मेट्रो अगर 10 मिनट लेट हो जाती ना, मेरी गंदी लगती है। अभी आई एम कम्फर्टेबल, सामने कोच जैसे आएगा, आई जस्ट स्टेप इनसाइड द ट्रेन, एवरीथिंग ओवर, कम्फर्टेबली रीचिंग होम, बट थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यार, बट एनीवेज डन, लेट्स गो। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत, देखो लेट्स गो। ओ भाई पता ही क्रेजी भाई, लग नहीं रही इंडिया की ट्रेन है, जैसा ही बोलो तो। वो हो ब्यूटीफुल है, ए पीस ऑफ द आर्ट मैन, IRCTC डूइंग प्रीटी गुड जॉब मैन, अमेजिंग, ब्लडी अमेजिंग यार। फाइनली बैठ गए वंदे भारत में भाई, कॉन्फिडेंसी है, रिव्यू कर रहा हूँ मैं। नींद आ रखी है, बट कुछ नहीं कर सकते, बट बढ़िया जो नहीं रही भाई, एंड अब तो मुझे पता है पहुंच ही जाऊंगा मैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मी ट्रैवलिंग इन वंदे भारत, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, वंदे भारत इज़ दी फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया करेंटली, सो इट रन्स एट अराउंड 160-180 एट मैक्स, बट द रूट दैट दिस ट्रेन टेक्स इट्स अराउंड 140 मैक्स, एंड द ट्रैवल डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ इज अराउंड 260-280 किलोमीटर्स, कम्प्लीट्स इट इन 2 hours इन समथिंग 40 मिनट्स, so that's a good thing, and it's 5:40 right now, just a sec, ye dekho 5:40, so it leaves in 10 minutes, and very beautiful, let's just see how the journey is, because I should travel from Shatabdi also, so let's see how different this is, and yeah, so this was the whole journey, and I'm going to show you what all, you know, amenities are there, are given from IRCTC, so yeah, stay tuned. So a quick review, basically you get this, and then you get your armrest, then you get your bottle holders, and then there is a seating light also, and then you get this, so these are the sockets, you get a USB-C, USB-A and a full power outlet, which is very nice, genuinely very nice. मतलब आई वॉन्टेड टू चार्ज माई डिवाइसेज, इट्स अ पीस ऑफ यू नो अमेनिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो या ऑल दीज अमेनिटीज आर देयर, सीट कैन बी रिक्लाइंड फ्रॉम दिस बटन, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये
चाय बिस्किट्स। उस पॉइंट इतनी नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार, नींद भी नहीं आ पा रही, सो भी नहीं पा रहा, बुरे हाल है। हाय गाइस, लास्ट ट्रिप के बाद आपने कुछ देखा नहीं होगा बिकॉज मैं बहुत थक गया था एंड मैं जस्ट घर आया एंड अभी हम आ गए महिंद्रा के शोरूम पे बिकॉज हमने गाड़ी फिर आने लेके आए हैं। 40,000 की सर्विस ड्यू थी इसकी। तो ये था, कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप यू गाइस लाइक इट एंड बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था तो अभी बस दिस वॉज द होल वीडियो। होप यू गाइस लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन अनदर वन। टेक केयर।